वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में। हम इस टॉपिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं पाइथन के। पिछले टाइम में हमने ये देखा हुआ था, आप सभी लोगों को याद होगा कि वेरिएबल्स कैसे हमने क्रिएट किए थे, एज का, जेंडर का और नेम का। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इफ एल्स वगैरह हम इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैंने एक लैब मैनुअल क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू D.2 और MSBT डिप्लोमा। तो उस लैब मैनुअल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखिए, इसमें हम यहाँ पर थे तो फर्स्ट जो है यहाँ पे वेरिएबल जो था हमने दिया था, तो इसमें सभी प्रैक्टिकल्स मैंने ऑलरेडी कर के दिखाए हैं, तो वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको दिखाया था पहले लास्ट के लेक्चर में। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर होगा, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम बिना समय गंवाए हम इस पर डायरेक्टली करने वाले हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसको मैं कट कर देता हूँ और हम यहाँ पे एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम अभी ज़्यादा कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आइडियली का ही इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो क्योंकि हम इसमें जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको याद होगा मेरे ख्याल से कि हमने इसको फाइल के ऊपर क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करके नया प्रोग्राम हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए, फाइल, न्यू फाइल। तो हम पहले ही इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव, हमें इसको क्या करना है, ऑपरेटर एंड मैथ, ऐसे मैं नाम इसको दे रहा हूँ ताकि हमें पहचानने में ऐसा नहीं हो जाएगी कि हम यहाँ पे ऑपरेटर्स और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पाइथन में प्रोग्राम करने के लिए हमें वाइड मेन, हैश इंक्लूड वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, C++ में वैसे होता है, वाइड मेन लिखो, हैश इंक्लूड लिखो, तो वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, A=10 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और B=20 कर रहा हूँ। तो ये दो वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं और इन दोनों में भी क्या है, नंबर्स हैं 10 और 20। तो हम यहाँ पे सिंपली एक C नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, A+B लिख देते हैं, A+B। वापस हम इसी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। एडिशन इज, अभी इसमें यहाँ पे डबल क्लिक लिखना होगा, डबल कोटेशन लिखना होगा, डबल क्लिक नहीं, सॉरी, एडिशन इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है कॉमा देके सी लिखना है कैपिटल में, क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया है वो कैपिटल में लिया है। तो ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। बस अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ नीचे में, सेलेक्ट, Ctrl+C, एंटर दबा दिया, Ctrl+V कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, A-B कर देंगे, ओके, A-B, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन, वापस हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे A·B। यहाँ पे हमें चेंज करना होगा मल्टीप्लिकेशन,
इज, और जो लास्ट ऑपरेशन है वो है डिवाइड ऑपरेशन, ए डिवाइड बाय बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवीजन। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। हमने ऑलरेडी ऑपरेटर एंड मैट के नाम से इसको सेव कर दिया है। अब हम इसको रन कर रहे हैं। तो देखिए ये आउटपुट जो आया है ये आपको दिख रहा होगा। तो आउटपुट को थोड़ा हम चेक करते हैं कि करेक्ट आया है या नहीं। तो आउटपुट ऑलरेडी आ चुका है। देखिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो 10 और 20 हैं। ओके, हमने यहाँ पे एडिशन की तो वैल्यू आनी चाहिए 30। तो ये 30 वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है और ये करेक्ट आउटपुट है। तो 10 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10। तो ये आ गया है माइनस 10। तो यहाँ तक करेक्ट है। अभी मल्टीप्लिकेशन जो है 10 इंटू 20, तो ये आ गया 200। तो ये 200 भी करेक्ट है। और डिवीजन जो है वो 10 डिवाइड बाय 20 है। तो 10 के हमें 20 भाग कर देने हैं। ओके, ये 0.5 आया है। ओके, ये भी करेक्ट है। तो 10 के 20 भाग अगर हम करते हैं तो डिवीजन, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाती है कि डिवीजन कैसे करें, तो डिवीजन क्या होती है। तो बस आपको ये व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, ओके, डिवाइड द नंबर। मतलब मान लीजिए कि आपके पास में आपके पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं, 10 रुपीज़ आपको दिए हैं, और वो 20 लोगों में, 20 बच्चों में बांटने हैं। ओके, 20 बच्चे में आपको बांटने हैं। ओके, तो ये बच्चे हैं अलग अलग, तो एक एक बच्चे को कितना आएगा पैसा, कितना पैसा आएगा? तो आएगा वो 0.5 पैसा। ओके, तो सिंपली डिवीजन ऐसे ही होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आया है अच्छे से, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी हम करते हैं हमारा इफ़ स्टेटमेंट। ओके, अभी हम इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, और इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, कैसे इसको हमें करना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वो कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे सिखाना चाहूँगा कि जो आपने पहले ही सी में पढ़ लिया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, या इसको हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो यही टॉपिक है, कंट्रोल फ्लो आप इसको बोल सकते हैं, या फ्लो ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, या कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसका सिंपली ये मतलब आता है कि वी आर कंट्रोलिंग आवर प्रोग्राम, या वी आर कंट्रोलिंग आवर पाइथन प्रोग्राम। तो हम पाइथन प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल करके किसी ट्रू के ब्लॉक में भेज रहे हैं या फॉल्स के ब्लॉक में भेज रहे हैं। तो सिंपली कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, और उसके सामने अचानक से दो रास्ते आ गए हैं। ओके, वन वे और ये दूसरा वे। मतलब अभी इस पर्सन को क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। ओके, डिसीजन लेना है कि वो इस रोड पे चलेगा एक नंबर वाले या दो नंबर वाले। इसी को बोलते हैं कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करना, या फ्लो को कंट्रोल करना। तो डिसीजन मेकिंग, यही टॉपिक का नाम है सी या सी प्लस प्लस में, और इसी को हम पाइथन में इस लेक्चर में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पुराना सिंटैक्स है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो सी सी प्लस प्लस में आपने दिखा होगा। तो इफ़ था, यहाँ पे एक कंडीशन थी, कंडीशन, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करते थे हम, और यहाँ पे ट्रू ब्लॉक था, ट्रू ब्लॉक, और यहाँ पे एल्स था, और यहाँ पे फॉल्स ब्लॉक था, फॉल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। सिंटैक्स क्या है, चेंज है, चेंज्ड। ओके, तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट लिखना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको अलग अलग चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो चलिए हम पहले सीख लेते हैं
पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उसको सीखने के पहले जो कंडीशंस है वो आपको पहले पता होने चाहिए। ओके, तो जो कंडीशंस होते हैं, पहले जो कंडीशन होती हैं वो होती हैं इक्वल टू। ओके, मान लीजिए ए और बी, ए 10 है और बी 10 है। ओके, तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इक्वल्स आएगा, ए इक्वल्स इक्वल्स बी, ए इक्वल्स इक्वल्स बी, मतलब ये क्या है, इक्वल्स हैं, यानी कि सेम है, तो ये कंडीशन है। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल्स है, ये नॉट का सिंबल आपको ध्यान में रखना, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल होता है वही है, नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो ये ऐसे हमें कंडीशन यहाँ पे डालनी है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, C++ में हमने इसको पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट, जो मैंने ही यहाँ पे लैब मैनुअल बनाते समय लिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं, जो पहला है ए इक्वल टू 33 और बी इक्वल टू 200, तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसका जो सिंटैक्स दिया गया है, देखिए, इफ बी ग्रेटर देन ए कोलन, तो सिंटैक्स में हमें चेंज क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इफ़ जो भी है आपको जो कंडीशन लिख देनी है, जो भी आपकी कंडीशन है, और बाद में कोलन दे देना है, कोलन। ओके, इसको हम बोलते हैं कोलन, और एक होता है सेमी कोलन। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो सेमी कोलन ऐसे होता है, एक डॉट के बाद कॉमा होता है, तो ये सेमी कोलन है, और जो कोलन है वो यहाँ पर है, ओनली दो डॉट वाला, तो कीबोर्ड को ध्यान से देखिए और जो कोलन है वो टाइप करें। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, देखिए अभी यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे आईडी ऑलरेडी ओपन है मेरा, तो मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल, तो न्यू फाइल में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को कॉपी कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, ये सिंपली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, शायद ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है पीडीएफ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको टाइप कर देंगे, ए इक्वल टू 33, मान लीजिए 33, बी इक्वल टू 200, ऐसे दो नंबर्स हमारे पास में हैं, तो इफ बी ग्रेटर देन ए कोलन। ओके, अभी हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट, आपको यहाँ पे एक खास चीज़ नज़र आने वाली है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा नहीं, जब प्रैक्टिकल रन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ग्रेटर देन ए। ओके, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ओके, हम इसको सेव करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम इफ। ओके, तो अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या होता है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 4। ओके, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है, या ये डबल कोट का एक एरर है हमारा, इसको हम हटा के देखते हैं, चलिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट होता है, इंडेंटेशन। ओके, तो जो इंडेंटेशन है वो इंडेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारा आउटपुट पुराना है और ये कंडीशन अभी अभी हमने यहाँ पे रन की है इफ की। ओके, तो इंडेंटेशन क्या होता है इसके ऊपर हम अभी आते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम हम यहाँ पे करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया है, तो देखिए अगर हम इसके वैल्यू कुछ बदल देते हैं, मान लीजिए इसको हम 2 रखते हैं, तो अभी कंडीशन हमारी फॉल्स होने वाली है, सेव कर दिया है और वापस हम इसको रन करते हैं, तो अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। ओके, तो इसको हमें अगर एल्स यूज़ करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए ये एल इफ है, मतलब एल्स इफ लगाते हैं उस तरह से, और जो एल्स है वो सिंपली आपको इस तरीके से लिखना है, एल्स कीवर्ड। ओके, तो एल्स कीवर्ड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर भी सेम यूज़ करना है कोलन। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में एडिट करके देखते हैं। ओके, हम इसमें एल्स लगा देते हैं, एल्स
और कोलन लगा देते हैं, ये कोलन आ गया प्रिंट। अब इस केस में क्या होगा, ए इज ग्रेटर हो जाएगा। इज ग्रेटर, ओके। अभी देखिए इज ग्रेटर, अब ये सिंपल स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर का एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने बना लिया है, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। अभी हम इसको वापस रन करेंगे, देखिए अब जो आउटपुट आया ए इज ग्रेटर, ओके ये आ गया ए इज ग्रेटर, क्योंकि ए की वैल्यू 33 है। अगर हम वापस वैल्यू चेंज कर दें, मान लीजिए हम इसको 233 कर देते हैं, वापस सेव करते हैं, वापस रन करते हैं, तो भी जो आउटपुट है वो हमारा चेंज हो गया है। तो किसी स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर हमें इसको इनपुट लेना है, ओके जो वैल्यूज हैं जिसको हमें इनपुट लेना है तो कैसे लेना है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो बहुत आसान है जो ऐसे करना, बस आपको यहाँ पे एक इनपुट का स्टेटमेंट लेना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट लेके इसको करने वाले हैं, ओके। तो इस मैनुअल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो भी सिंटैक्स है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये एल्स है जो भी अभी हमने देखा था, और यहाँ पे एल इफ है। एल इफ का मतलब है अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो हमने किया था ना स्विच केस में वगैरह जनवरी फरवरी, तो वैसे भी आप इसमें कंडीशन चेक करते हैं, ओके। तो ये सिंपल है एल इफ का भी, तो आप इसको करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स के बारे में जानते हैं, दो लूप्स होते हैं व्हाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप, तो व्हाइल लूप और फॉर लूप को हमें कैसे रन करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में, थैंक यू, बाय बाय।